प्रकाश का प्रारंभ हुआ अंधकार से, सृष्टि का प्रारंभ हुआ प्रलय से, सृष्टि भी एक दिन मिट जाएगी, यही प्रपंच का नियम है और इसी नियम के अधीन है प्रपंच भी। लगभग 1400 वर्ष पूर्व सूर्य के एक छोटे से अंश ने सौरमंडल से बाहर निकलकर अपनी यात्रा प्रारंभ की और एक अणु में परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में एक अन्य उल्का पिंड से जुड़ गया। वो पृथ्वी पर आकर गिरा। उस दिव्य मणि की शक्ति की जानकारी रखने वाले सिद्ध वैद्यगण काफी दूर यात्रा करके भिन्न भिन्न स्थानों को चिन्ह देकर उन्हें स्मरण करके वहां पहुंचते हैं जहां दिव्य मणि स्थित है, जिसमें दैविक शक्ति और औषधि युक्त जल की शक्ति का समावेश है। वो उस जल से निस्वार्थता से लोगों को रोग मुक्त करने लगे। वहां का मार्ग, जो कुछ देखा और उसके गुण के बारे में अपने रहस्यमय तरीके से अंकित किया। लोथल वॉज एक्सकवेटेड बाई द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड लोथल वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सर, it was the ancient harbor city, right? That's right. Dated back in 2400 BC, located in the Bol region and the present day, it is called Gujarat, the hometown of our present Prime Minister. Indus Valley civilization adopted to be precise standard of measurements for their buildings. Bricks were laid in the ratio of 4:2:1. Ha, time is up. I'll see you next week. प्रोफेसर, ये देखिए जरा। सर, ब्रीफकेस। इन 1550 AD, ऑल ऑफ अ सडन एक साधारण फार्मर फ्रॉम तलवारा स्टोन टाइप मेडिसिन रोगियों को दिया करता था और वो ठीक भी हो जाते थे। हो सकता है हम जो ढूंढ रहे हैं। नहीं, नहीं। 1550 was too late. ब्रिटिश तब तक आ चुके थे। ये उससे पहले का है। प्रोफेसर। हाँ? रंजन कोलकाता से। Here, प्रोफेसर। Hi. Did you find anything useful? No, प्रोफेसर। जैसा आपने कहा वैसा यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि यूपी में चित्रोहन नाम की जगह में स्टोन से संबंधित कुछ चीज के बारे में। वो तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तुम वापस आ जाओ। क्या प्रोफेसर, हम भी पिछले 4 सालों से ढूंढ रहे हैं लेकिन अब तक हमें नजर नहीं आया। हमारी नजर में भले ही नहीं आया, किसी ना किसी की नजर में तो आएगा। जिस किसी की भी नजर में आएगा वो हमारी नजर में आना चाहिए। हेलो। पास ऑन योर सीट बेल्ट। एक्सक्यूज मी। यस सर। कैन आई हैव अ हॉट चॉकलेट प्लीज? सॉरी सर, वी प्रोवाइड आफ्टर द फ्लाइट टेक ऑफ। प्लीज मेक श्योर आफ्टर द टेक ऑफ। या एक्सक्यूज मी। यस। वेयर इज द सीट बेल्ट? दैट शुड बी हियर। ओह,
Are you using Chanel? Yeah. It's my favorite. And it suits you very well. Thank you. What a smile. Uh-huh. It's like the sunrise, you know. Okay, thank you for the compliments. Do you think you could get me a cold chocolate, please? Sorry, sir. We serve only after flight takeoff. But for you, I can try. Thank you. And a hot chocolate for the gentleman. Yeah, sure. What's your name? आपको तो मेरे जैसे लड़के पसंद नहीं है ना? मुंह फेर लेते हो? I'm Kapil Sharma. इंद्रजीत. You can call me Jeet. हाँ, मैं इंद्र बुलाऊंगा. आपकी मर्जी. अच्छा, आप क्या करते हैं? ASI Director. Director of Archaeological Survey of India. Wow, क्या super life है ना? गड्ढा खोदना, सिर पे टोपी, मुंह में सिगार, हाथ में हंटर. I love Indiana Jones, sir. But I am not Harrison Ford. It's one of the finest archaeological findings ever. Wow. So what next, Inder? 2 minutes. कहाँ जा रहे हो? मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, सबसे पहले जाता हूँ बाथरूम. Hey, Ravi. Hi. Okay. Kapil, how are you? Fine, thanks. तुम्हारे नेबर कैसे? Ex-ASI chief. उनका क्या, अच्छे ही होंगे. बस नाम के लिए हम पड़ोसी हैं. महीने में एक बार भी मिल जाए तो बड़ी बात है. क्यों, क्या बात है? कुछ स्टूडेंट्स को साथ में लेकर वो कुछ रिसर्च में लगे हैं, ऐसा सुनने में. ओह, ये बात है. तुम ही उसकी रिसर्च को फाइनेंस कर रहे हो, मैंने ये भी सुना. आप भी ना, मेरे अपने फाइनेंस का ही ठिकाना नहीं है, ऐसे में उन्हें फाइनेंस कहां से करूंगा. अच्छा अंकल, हाय. हाय इंदर. आ रहा हूं. मेरा भांजा है, इंदौर से आया है. इंद्रजीत. अब आप इसे जानते हैं? हाय. हाय बेटे, कैसे हो? सुपर्ब. अंकल, मीट मिस्टर कपिल शर्मा, गोवा आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर. तू तो अभी अभी गोवा पहुंचा है. मैं तो बहुत पहले से यहीं रह रहा हूँ. ऐसा महसूस होता है रवि कि मेरी इसके साथ पुरानी जान पहचान. वेरी इंटरेस्टिंग फेलो. ठीक है, अपने प्रोफेसर से कहो कि मुझसे मिले. डेफिनेटली मिस्टर कपिल. इंद्रजीत, विल मीट. श्योर. ओके, चलो चलो. वाओ अंकल, घर तो ऑसम है, अपना ही है ना? मेरा है. हो सकता है, लेकिन आज के बाद ये मेरा है. चलो ये घर तुम्हारे नाम कर देते हैं. हाँ आंटी. वो तो मैं मजाक कर रहा था. खैर छोड़ो, तुम चाय पियोगे या कॉफी ये बताओ. इसी में मार खा गया इंडिया, सो बोरिंग. कॉफी पियोगे, चाय पियोगे, कोक पियोगे, पेप्सी पियोगे, रेड वाइन पियोगे, शैंपेन पियोगे, ऐसा कुछ पूछिए ना. ए इंदर, बनाना मिल्क शेक, 2 स्पून शुगर मिलेगा? ठीक है. मेरा रूम ऊपर है ना? रूम इज नाइस. एल्विस, bye.
I tree up, sir. I slip, sir. I flat, sir. तुम रवि के भांजे इंद्र हो ना? हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारे मामा ने मुझे पहले ही बता दिया था। और आप? I am प्रोफेसर महादेव वर्मा। इन्हीं के प्रोजेक्ट में असिस्टेंट के काम के लिए तुम्हें बुलाया। ओह, you are so lucky, sir. What? But he is very intelligent. मेरे असिस्टेंट बनने के लिए इसी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर चुके 4 स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। वैसे तुम मेरे किस काम आ सकते हो? सर, हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है, हीरा नहीं जानता। वेलकम अबोर्ड। थैंक यू सर। सर, आप किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? आर्कियोलॉजी। आई टोल्ड यू लकी सर। यू नो, गोवा आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर मेरे फ्रेंड हैं सर। कपिल शर्मा? हाँ वही, आप जानते हो ना? आप चलिए, मैं बताता हूँ। ये कपिल को कैसे जानता है? फ्लाइट में मिले थे, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कपिल आपके रिसर्च के बारे में पूछ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस समझ में नहीं आ रहा उसे इसके बारे में कैसे पता चला। कपिल ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। वहां मैं एक राजा की तरह हुकूमत करता था, कपिल मेरे हाथ के नीचे काम करता था। अब वो बुला रहा है और मैं चला जाऊं? प्रोफेसर, उसे कुछ शक हुआ है। कोई बात नहीं, एक बार जाके मिलने में क्या हर्ज है। समस्या ये है कि अगर आप वहां नहीं गए तो वो यहां आएगा, सरकार की मदद से वो प्रोजेक्ट ही टेक ओवर करेगा, फिर वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचेगा। चोरों के हाथ में चाबी देना तो आजकल आम बात हो गई। इसीलिए कह रहा हूँ प्रोफेसर, अपना ईगो भूल जाइए और एक बार जाके उसे मिल लीजिए। इफ यू हैव टू किल द लायन, यू हैव टू फेस इट। वाह, यस। उसने देखा होगा। इंदर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आते ही यहां से पैकअप। शिट, ये अलग मुसीबत। बेटा आज तो गया। इंदर, मीता, मीता, इंदर। हाय। हेलो। ये कौन है पता है? तुम मिल चुके हो ना प्रोफेसर से? उनकी भतीजी है मीता। ओह, कांग्रेचुलेशंस। शॉपिंग जाना है, मेरे साथ चलोगे? इस वक्त कौन सी शॉपिंग? नाइट। अरे जाना, बुला रही है ना? नहीं, वो मैं सोने जा रहा था ना, तो टी शर्ट उतार के वहां जाके खड़े रहो। क्या? आई सेड टी शर्ट उतार के वहां जाके खड़े रहो। क्यों? मैं क्यों उतारूं? एक दूंगी। जब मैंने उतारी तब तुमने देखा ना, अब तुम उतारो मैं देखूंगी। वहां मैंने नहला मारा और यहाँ तुम दहला मार रही हो, यही ना? इंदर, पैंट भी। नेवर। देख लिया? अच्छी तरह देख लो। मजा आया? ए, ए, क्या कर रही हो? हेडलाइट्स क्यों ऑन किए? शी, बंद कर। कैसी लड़की है तू? गधी कहीं की? बंद कर दिया कि नहीं? ए, अरे अरे, ऑन मत बजा। अरे कहाँ जा रही है? कपड़े तो दे दीजा। अब
जीत दिखाता हूँ तुम्हें। कंग्रेट्स सर। थैंक यू बधाई हो सर। थैंक यू वेलकम वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले मेरा स्टूडेंट, लेटर ऑन मेरे हाथ के नीचे काम करने वाला, आज मेरे ही ओहदे पर रहकर मुझे रिसीव कर रहा है। और बताइए सर, सुना है कोई रिसर्च कर रहे हैं आप आजकल? क्यों, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी तुमसे। आप एक्स आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर हैं, ऊपर से आप पे केस है। ऐसे में अनऑफिशियली मुझे आपकी रिसर्च के बारे में न्यूज मिली है। मुझे जवाब देना आपका फर्ज है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कहती है। तुम्हारी बातों से धमकी की बू आ रही है। नो 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 सर। दीज आर द डिटेल्स ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। लेकिन अहम बात यह है कि इस डायनेस्टी के फर्स्ट क्राउन कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में मौजूद है। अगर कोई हेल्प चाहिए, आई एम हियर ऑलवेज, गो अहेड। जरूरत पड़ी तो बताऊंगा। ओके सर, फिर मिलते हैं। सी यू। It's all in the game, man. But Hi. हाँ, बहुत दिनों बाद आपके घर आया हूं। अंदर नहीं बुलाएंगे? Definitely अंदर नहीं बुलाऊंगा। Just kidding. आओ। लगता है इन्हें कोई पर्सनल बात करनी है। ओके कपिल, बैठो। पहले जैसा था सब कुछ वैसा ही है। चीयर्स। चीयर्स। कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आ सकता? तुम बिना वजह तो आओगे नहीं। कुछ नहीं सर, मुझे एक बटन मिला। कौन से पीरियड का हो सकता है? इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से ये चोला डायनेस्टी का हो सकता है। लेट मी चेक। या श्योर श्योर। Thank you.
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैंने तुमसे लैब क्लियर करने को कहा था ना। सर क्लियर देखा तो सोचा मेरे लिए कहा। क्या के देखा ऊपर? सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। आई एम द एएसआई डायरेक्टर माय फ्रेंड। हो सकता है, फिर भी इस एरिया में तो सिर्फ हमारे प्रोफेसर ही। सो प्लीज इफ यू डोंट माइंड सर, द बुक। ये कैसे हो सकता है? किसी मेडिकल प्रॉपर्टी वाले फॉरेन एलिमेंट अगर दुनिया में मौजूद हैं, तो हमें इसकी जानकारी कैसे ना होती? मैं प्रोफेसर महादेव वर्मा को अच्छी तरह जानता हूं। वो बिना वजह कुछ नहीं करते। हम अपनी सत्ता की मदद से ये प्रोजेक्ट टेक ओवर करेंगे। सो फार ही हैज डन नथिंग रॉन्ग। किस बिना पर हम उन्हें कॉर्नर कर सकते हैं? हुकूमत करने वाला चाहे तो वो सही को गलत और गलत को सही कर दे। अभी तक तो उसने उसका विदेशियों से सौदा भी कर लिया होगा। पहले यहां से अपने सारे रिकॉर्ड्स पूरी तरह से खत्म करके कहीं और शिफ्ट करना होगा। He's intelligent. सब कुछ सूंघ कर चला गया। हमने तो रिसर्च लैब शिफ्ट कर दी ना अंकल। जो वहाँ आया वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम लोग ऑलमोस्ट इस पर 4 साल से रिसर्च कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे इसका पता नहीं, ऊपर से पैसा भी खर्च होता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि I asked for a latte. Hey, यहाँ पर हम परेशान हैं और तुम क्या कर रहे हो यार? हाँ, जरा भी सीरियसनेस को समझे बिना हंसी मजाक कॉफी ऑर्डर करना, वो भी प्रॉब्लम को समझे बगैर। गाइस, अगर प्रॉब्लम में घुसे रहोगे तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालोगे? उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो तो ही वो प्रॉब्लम क्या है पता चलेगा, उसके बाद सलूशन ढूंढ लेना। प्रॉब्लम समझ गए? He has a point. Thank you. सर, इसके लिए भी थैंक यू। हम क्या कर रहे हैं तुम्हें कुछ पता भी है? आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिए जाने के बाद मन की शांति के लिए मैं अपने गांव चला गया था। मेरे घर के लोगों ने मेरे दादाजी बद्री नारायण दीक्षित, जिन्हें लोग दीर्घदर्शी और गणित के राजा कहा करते थे, उनकी कुछ कृतियां मुझे दिखाई। उनमें सन 1850, उज्जैन। मैं बद्री नारायण दीक्षित हमेशा की तरह पक्षियों को दाना डालकर प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को अंकित करना मेरी आदत थी। एक दिन वहां अंकित करने का कोई तथ्य नहीं था। इसी उलझन में जब मैं घर में प्रवेश कर रहा था तो वहां मेरी धर्मपत्नी के हाथों से गिरे हुए सिक्कों में से एक सिक्का मुझे विशेषमय दिखा। सदियों पूर्व अंकित गुप्त रचनाओं का अर्थ ज्ञात होने लगा। सूर्यमुखी का सूर्य से अटूट संबंध है,
जैसे सूर्यमुखी सदैव सूर्य को नमन करता है, वैसे ही सूर्यमुखी ने पृथ्वी पर सूर्यांश को नमन किया। लगभग 1400 वर्ष पूर्व सूर्य का एक छोटा अंश पृथ्वी पर आकर गिरा। उसमें औषधि सिद्धि है ये अंकित किया गया था। विदेशी आक्रमण के समय कहीं लुप्त न हो जाए, इसलिए अत्यंत दूर ले जाकर उसे छुपा दिया गया। वो इस समय कहाँ है मैं खोजने लगा। दिन वर्षों में बदलने लगे और अंततः खोज निकाला। जीने के लिए आहार जरूरी हुआ करता था, लेकिन अब दवा है। सैकड़ों लोग हजारों किस्म की दवा तैयार करके लाखों लोगों को करोड़ों में बेचते हैं। करोड़ों खर्चना कितनों के बस की बात है। अमीर जिंदा रहता है, गरीब मर मिटता है। उनकी लिखी बात अगर सही निकली तो लोग लगभग 400 साल तक रोग मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। 400 साल तक रोग मुक्त जिएंगे तो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी अंतरात्मा जो चाहेगी बिल्कुल वही होगा। ये हो सकता है या नहीं, ये डाउट मुझे होने लगा है। शायद यही डाउट बद्री नारायण जी को भी हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने ये राज कहीं लिखा होगा ताकि वो उनके साथ दफन ना हो जाए। क्या 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 कहा आपने? अभी आपने क्या कहा? हाँ वही डाउट। नहीं नहीं, बद्री नारायण जी की बात। हाँ, ये राज उनके साथ दफन ना हो जाए इसलिए शायद कहीं लिख छोड़ा होगा। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी बात में ही है। हाँ? उनके साथ ही दफन ना हो जाए, दैट्स द कीवर्ड। ओके बॉयज, डरने की कोई जरूरत नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतीहु लोक उजागर, बोलो बजरंग बली की जय। राम दूता तुरित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जय बजरंग बली। मुझे लगता है यहाँ पर किसी सिंगर का भूत है। सही बोला। मिस्टर बद्री नारायण यहाँ नहीं होंगे, हम वहाँ जाकर ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। तुम भूत हो। इंदर उठ उठ उठ, संभल के। खोलते हैं। अरे ये क्या यार, कुछ भी नहीं है। ऊपर थोड़ी मिलेगा, खोदना होगा। इंदर ये लो। कहां से मिला? ऑनलाइन खरीदा, ये जानना जरूरी है। इंदर ये देख। उतरते ही शुरू हो जाती है। ए,
ये देखो प्रोफेसर, पर वो मुझे अपनी ये साथ में कौन है? हे, ये कपिल है ना? ये इनके साथ क्यों है? उन्हीं का है, बात कर। हेलो, मैं प्रोफेसर नहीं कपिल शर्मा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पजल दो और प्रोफेसर को ले जाओ। तुम गाड़ी चालू रखना। We'll proceed as per the plan. Okay. Let's do Mission Impossible. Hi. Hi. नहीं? Wow, इस पे नजर रखना। Okay, भाई। क्या कर रहे हो? मछली पकड़ रहा हूँ। For what? बस ऐसे ही, fun. It's fun for you, but उनके लिए तो टॉर्चर है ना? क्या मछली ने शिकायत की कि मैं टॉर्चर कर रहा हूँ? I'm just playing. मछली के साथ खेलना कुछ गलत नहीं, लेकिन उससे अगर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो गुनाह है। अनजाने में जो करते हैं वो गलती है, जानकर जो करते हैं वो गुनाह। मैंने मछली को अनजाने में टॉर्चर किया, मेरी गलती है। आपने प्रोफेसर को जानकर किडनैप किया, वो गुनाह है। मेरा ही डायलॉग मुझे सुना रहे हो? बट यू नो व्हाट, यू आर द राइट मैन ऑन द रॉन्ग साइड माय ब्रदर। बुरे को अच्छा भी बुरा ही दिखता है। नेवर माइंड, पजल कहां है? प्रोफेसर कहां है? प्रोफेसर को सामने नहीं लाया तो क्या पजल नहीं दोगे? नहीं दिया तो आप मुझे छोड़ेंगे क्या? हाँ सर, हाय सर, लाइव है ये? लाइव है और प्रोफेसर अलाइव है। कमाल करते हो सर। पजल दो। छोड़ेंगे नहीं आप? ये असली पजल है ना? यकीन कीजिए, जिंदगी उसी में कायम है। हाँ, सारी दुनिया की फिलॉसफी बस तुम्हें ही आती है। सर, द बॉय इज मिसिंग सर। चलिए सर। पकड़ो ने। गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, स्ट्रेट। अरे ए, पागल है क्या? अरे पागल, नीचे जाओ उसके। गो स्ट्रेट, स्ट्रेट यार। आगे से जाके ब्लॉक कर देगा। अरे घुमा के ले, अरे लेफ्ट में डाल। संभल के। Ah!
चलो चलो जल्दी 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 पीछे 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 ले जल्दी जल्दी इंदर वो पजल मुझे दो ये लीजिए अरे अरे, 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 अरे। सर ये देखिए ये क्या है हेलो सर क्या हुआ सर उनकी गाड़ी में से हमारी गाड़ी पे एक पेपर आके गिरा है वो लोग कहाँ है वो अपनी गाड़ी घुमा के हमारी तरफ आ रहे हैं सर हा? इसका मतलब वही पजल है तुम लोग फौरन यहां वापस आ जाओ अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो इसे जल्दी गाड़ी से बाहर फेंक दो तो बताओ तुम्हारे बॉस के घर में करीब 10-15 लोग रहे होंगे दो क्वालिस और एक जंप और 4-5 ड्रिफ्ट उसके बाद वो सफारी अब बचे तुम दोनों क्या करूं पजल दे देता हूं ये हुई ना बात गाड़ी साइड कर ओके हे पजल हाँ हाँ थैंक यू कैसी गाड़ी चलाता है तू इंदर hey, कमाल कर दिया तूने इंदर वो पजल देना मुझे ये लीजिए प्रोफेसर मैप मेरे पल्ले नहीं पड़ा इसमें कुछ अधूरापन है सर ये पहेली दो टुकड़ों में ही सुलझती है ओह रंजन बोलिए सर लैटिट्यूड 27.14 नॉर्थ Longitude 96.31 East. Kan Kong. ये कहां पर है? It is deep interior forest of Arunachal Pradesh, fully covered by Maoist. जहां तक इस जगह का सवाल है, सरकारी कर्मचारी भी अंदर नहीं आ सकते। अगर अंदर आ भी गए, तो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब उसूलों के मतभेद की वजह से उनमें फूट पड़ गई जो टीम कभी एक हुआ करती थी वो दो टुकड़ों में बट गई एक इलाका नॉर्थ इंडियंस के कंट्रोल में है जबकि दूसरा इलाका लोकल्स के हाथों में है कदम रखते ही सिर उड़ जाएगा रवि अब क्या किया जाए बात की तुमने उससे बात तो की है लेकिन कपिल ने पुलिस वालों को पीछे लगा रखा है मैंने किसी तरह फिलहाल पुलिस को रोका है इस बीच आपको गोवा से बाहर जाना होगा प्रभा और अमित ट्रेन में मिलेंगे उनके पास मैंने कैश दिया है आपके खर्च के लिए और वहां देने के लिए ट्रेन एक वीरान जंगल में रुकेगी वहां आपको उतरना होगा प्रोफेसर ऑल द बेस्ट कम ऑन क्विक प्रोफेसर प्रोफेसर आइए सर आजा आजा समझ गए
ट्रेन एक वीरान जंगल में रुकेगी, वहां आपको उतरना होगा। ए, get up, get up, चलो जल्दी उठो, यही वो जगह जहां हमें उतरना है, जल्दी। सर सर सर, क्या हो? ये तो जंगल है, सिग्नल लगा इसलिए गाड़ी रुक गई है, सिग्नल छूटते ही स्टेशन पे उतर जाएंगे। आराम से आओ, मैं चलता हूँ। सर लेकिन राइट जाओ हटो। अरे लेफ्ट हटो, लेफ्ट हटो, हटो हटो सामने से, ये आदमी है लॉरी। मैं भी आता हूँ। घबराइए मत, अब यहाँ से आगे का सफर हाथी पर है, आइए। तुम्हें कैसे पता हम आ रहे हैं? हेडक्वार्टर से फोन आया था कि आप आने वाले हैं। अच्छा, तो फिर चलें। हाँ क्या दादा, कुछ देर में यहाँ आएंगे। अच्छा अच्छा, तब तक इन्हें वेट करने दो, मैं बता दूंगी। हाँ गाइस, खा के आराम कर लो, 10 मिनट का टाइम है। प्रोफेसर साहब, हमारे नॉर्थ रेंज ऑफिसर के आने में टाइम लगेगा, 10 मिनट प्लीज। ओके इट्स ऑलराइट। अरुणाचल प्रदेश में मुगलाई दम बिरयानी। हाय बड़ी, क्या चाहिए तुझे? ओह लगता है इसे भूख लगी है, खा ले खा ले, ये ले। इतने में खत्म भी कर दिया, बहुत भूख लगी है बेचारे को। थोड़ा और खाएगा? सुनो भाई, एक और। कैसे खा रहा है बुक्कड़? मैं भी खा लेता हूँ। देखो तो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तू यहीं रुक, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ। अब इंस्टॉलमेंट में खाने दो। ओए ये कहाँ? ले खा ले पूरा। अरे अरे मेरे लिए। स्मिति, दादा आ गए हैं, जाके मिल लो। आ गए? एक चाय देना। अमित, पता है मुझे क्या डाउट हो रहा है? वो देख वहां। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हाल है स्मिति जी? हेलो। माल कितना दीजिएगा? हाँ हाँ, बार्गेन बार्गेन। यही कोई 30-35। 65। 40-45। 65। 50 या 55। 65। 60। बस कीजिए, ये बार्गेन नहीं ढोंग है, देना। कहाँ जाइएगा? कांगकोंग। कांगकोंग? वो तो खतरनाक जगह है जहाँ कामलुंग का कंट्रोल है। ए, कौन है वो? ये कामलुंग कौन है? पहले सब एक साथ थे, हाल ही में स्प्लिट हो गई। वहाँ का काम है? बर्ड्स की साउंड रिकॉर्डिंग। हाँ। अगर ऐसा है तो आपको गाइड भी चाहिए होगा। ओके।
हमारा गाइड का फीस होगा यही कोई 10 लाख। बार्गेन बार्गेन? नहीं रहने दो। गाइड इंटेलिजेंट है ना? दबंग है वो। बैच 57 रोल नंबर 3, 2, 5, 6, 7 ट्रेंड एट देहरादून टॉपर ऑफ द बैच जंगल सलीम। ये सर जंगल सलीम रिपोर्टिंग। सर सलीम ये लोग हमसे मिले खातिर गोवा से आए हैं। इनको जंगल में ले जाके दफना दे क्या? दफना दे। That's my boy. इनको जंगल घुमाना है। What? इन मच्छरों की मदद के लिए बब्बर शेर? No सर। सलीम हम वादा किए हैं। सर आपका वादा मेरे लिए दावा है सर। I will do it for you सर। कानकुन के लिए सड़क का सफर 100% जोखिम भरा है। तुमको फ्लाइट चाहिए का? बार्गेन? तुम लोगों के पास हवाई जहाज कैसे? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नीचे गिरी कार्गो फ्लाइट है ये। रीमॉडिफाई करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा दिमाग चलाया तुम लोगों ने। उड़ान भरेगा? उड़ान भरेगा वो फ्लाइट है, और जो नहीं उड़ता उसका नाम खटारा है। प्रोफेसर की तरह बात कीजिए, घोंचू की तरह नहीं। वॉक एंड स्टैंड। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। रंजन। वो तो श्रीलंका का बैट्समैन हुआ करता था, रंजन मधुकुले, अच्छा नाम है। प्रभा। पुअर बॉय, औरतों का नाम है। अमित। अगर सुमित होता तो चटनी बनाने के काम आता और जंगल में खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होती। शकल से ही भगोड़ा लगते हो, भागने के बारे में सोचना भी मत। भाई साहब मेरा नाम इंद्रजीत है, पर आप जो चाहें बुला सकते हैं। कद्रदानों के तलवे भी चाट लेता है ये सलीम, ये तो पूरी दुनिया को पता है। सठिया गया है। जंगल में हंसना मना है, ऐसा ना हो कोई जानवर हमला कर दे। अंडरस्टैंड? यस सर। यस। ग्राउंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस सर। 1000 फीट अबाव हाइट सी लेवल टेम्परेचर 13 डिग्री सर। वेरी गुड। विंड इज आर कंट्रोल सर। हवा भी हमारे कंट्रोल में है सर। पायलट ऑफिसर को सीधे खड़े होकर बात करनी चाहिए। यस सर। अंडरस्टैंड? ऊंट की तरह हिलते डुलते बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर बोर्डिंग करें सर? 6 लोगों के लिए क्या बोर्डिंग क्या लॉजिंग, तू फ्लाइट चलाता है या कोई लॉज? सबको उठा के गाड़ी में फेंक। यस सर। हाय। ए इंदर आ जाना। यहाँ भी आ गया। मैं तेरी वजह से भूखा हूँ, तुझसे कोई दोस्ती नहीं। ए नहीं, जो कह रहा हूँ वो सुन। ए, उ, 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 ये भी बैड बॉय। अरे ये क्या? नाम क्या है इसका? ये हमारे साथ आया तो नाम हमी को रखना होगा। वैसे ये हमेशा हैप्पी रहता है, तो इसका नाम हैप्पी रखते हैं। हैप्पी। अच्छा, you're a good boy. डर गया क्या? कोई पटाखे फोड़ रहा है क्या? ये रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड है। वो क्या है? रॉकेट लॉन्चर। हम कैमलोंग के इलाके में आ चुके हैं। वी आर वायलेटिंग देयर एयर स्पेस। कहाँ जा रहे हो? वेट एंड सी। अरे इंदर ये क्या कर रहा है? लग गई? हाँ, इंजन में। ओके, 2 पैराशूट है, कोई एक कूदेगा, उसके साथ मैं भी कूदूंगा। पहले मैं। तो वो पायलट?
अरे उसके कूदने के बाद ही दो पैराशूट बचे हैं। अब तक वो नीचे जंगल में मंगल कर रहा होगा। फ्लाइट में ये कैसी आवाज आ रही है? अब क्या करें? देख लाइफ बोट, चलो चलो जल्दी, मौका है, जल्दी अभी जल्दी। अरुणाचल प्रदेश में आप एक सुई भी घुमा दे तो मैं ढूंढ के ला सकता हूँ। इंदर ठीक हो ना? देखिए सब क्या भाई, बीच मझधार में छोड़ दिया। ये झूठ बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आसमान में कैसा मझधार, वहाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तो यहाँ तुम्हारा स्वागत कैसे करता? लीविंग, गोइंग, कमिंग, रिसीविंग, यही सलीम की ब्यूटी है, क्या ये तुम नहीं जानते? लेकिन आपने जो किया वो गलत है इंदर। मैंने जो कहा वो गलत है। आपने सीटी क्यों बजाई? उंगली हिलाना बंद कीजिए और मुद्दे पर आइए। लव बर्ड्स, उनके लिए अब उनके लिए यही मेटिंग टाइम है। यहाँ मेरे मेहमान आए हैं, इसलिए तुम लोग अपनी जगह किसी कोने में जाके ऐश करो, यही मैं उनकी भाषा में समझा रहा था। चिड़ियाओं को भी मैं अपने संस्कार सिखाता हूँ। ये तो चिड़ियों को भी संस्कार सिखाने लगा। ये है बाप टेंग कांगलिक। हाँ। आप जो कह रहे हैं वो 7 किलोमीटर दूरी पर है। ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, अब जाना सेफ नहीं है, कल सुबह निकल चलेंगे। ओके ओके लेट्स गो। Come on boys, let's move, come on. हाँ रेंजर रंजीत सिंह। हाँ मैं जंगल में एंटर कर चुका हूँ। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उन लोगों का पता चल चुका है। अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा। या थैंक यू सर। वो लोग कहाँ हैं ये तो पता चल ही गया है, तो उनका पीछा क्यों करना, सीधा अटैक ही करते हैं। मंजिल को हासिल करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक बहादुरी और एक अकलमंदी। लेकिन एक ही मकसद के लिए दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें बहादुरी करने दो, हम अकल इस्तेमाल करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? मैप की कॉपी बना रहा हूँ। मैप माने? वर्ल्ड मैप। तुम लोग ट्रेशर हंटर हो? यस। ब
बद्री नारायण जी के पजल में से किसी एक क्लू का भी पता चल जाए तो जिसकी मुझे तलाश है वो मिल जाएगा। क्या हुआ? पता नहीं। हे, हैप्पी। 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 रुकना। हैप्पी। 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 स्मिथी, तुम उस तरफ देखो। हाँ। मैं यहाँ देखता हूँ। हैप्पी। हैप्पी, कहाँ चला गया तू? हैप्पी, हैप्पी, where are you? स्मिथी, हैप्पी वहाँ है? यहाँ नहीं है। हे! Oh my God! नीचे मत देखना। Okay. ओह, तो तू यहाँ पर है? Bloody fool, बार-बार तुझे पागलपन सूझता है। हैप्पी आ गया। उसके आने की बात छोड़ो, मुझे ऊपर उठाओ। ये क्या बदतमीजी? Wow! फाइनली फॉक्स आए। फॉक्स आए को मारो गोली, पहले मुझे ऊपर खींच कमीने। कमीना वमीना बोला तो हाथ छोड़ दूंगा। छोड़ दे कमीने, देखती हूँ। बाय। घबराओ मत, जा जा। अरे भाई, नायक उल्टा है सीधा। Last clue, man crying. Mamma mia! Fantastico! Sir, यहीं पर थोड़ी देर आराम करके खाना वाना खा के जाते हैं। नहीं, हम यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आए। भाई, समझाइए ना। खाने के लिए जीना नहीं चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। अगर खाने के लिए ही जीना है तो तुमको यहाँ लाने वाले मेरी क्या इज्जत है? Eating and living is an art of life and also a part of life. इंद्र जो कहता है वो करो। वाह, सुपर्ब, क्या समझा है? ये क्या है सर,
काम चलाना है तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। अच्छा हैप्पी कहाँ है? हैप्पी हैप्पी ए कहाँ भाग रहा है? यहाँ ब्लडी फूल, जब देखो दौड़ता रहता है। क्या हुआ है तुझे? खा खा के मोटा हो गया स्टूपिड। सर वो हमारे लड़कों को जीप में डाल के किडनैप कर रहे हैं। ए उधर देखो कोई और है क्या? ठीक है देखता हूँ। ये यहाँ की सेकंड रेबेल टीम है। तो अब क्या करें? पहले हमें अपने आप को बचाना होगा, तभी हम उन्हें बचा पाएंगे। सर आपके पास गन है ना? लेकिन उनके पास मशीन गन है, इससे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। 50 गज की दूरी पर है वो, अब क्या करें? Happy! Happy! Hey, just keep quiet. Sir, वो मर जाएगा. Happy! इधर कहाँ ना नहीं. Fool! Happy! यहाँ. बेवकूफ. कता कहीं क्यों? हैप्पी वहीं रुकना। एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात करके ठीक है, जल्दी आओ। भाई जो हुआ उसके बारे में सोचकर अफसोस कर रहे हो? क्या हुआ, चुपचाप आगे ही देख रहे हो? मेरे आगे देखने का मतलब पीछे फ्लैशबैक है। ओह, इस जंगल सलीम को क्या समझ रखा है? मेरी आंखों से अंगार निकलते हैं, मुंह खोला तो बारूद निकलेगा। क्रांतिकारी कमल मजूमदार का चेला हूँ मैं। रैम्बो फिल्म में रैम्बो बना रैम्बो स्टैलोन मेरा चेला है। खतरों का खिलाड़ी है ये जंगल सलीम। बुलाओ अपने सरदार कामलुंग को, मैं उसके सर को। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं? क्यों नहीं, चाहे कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो या कुंग फू कराटे हो, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इसका मैं कहीं प्रयोग नहीं करूंगा। ये गोला बारूद बनाने वाले को मैंने दाएं हाथ से वादा किया है, उस वादे ने मेरे हाथ पैर जकड़ लिए हैं। बिना हाथ पैर के कराटे कैसे होगा? आखिर तक सुधरेगा नहीं तू? हाँ तू कहा, ये क्या बिना तमीज के बात कर रहे हो? अबे ओए तेरे लिए क्या तमीज, क्या कहा तूने? लीविंग कमिंग गोइंग रिसीविंग लवर्स की प्यार मोहब्बत, खुद को शेर कहना, रैम्बो स्टैलोन जैसा बॉक्सिंग कुश्ती कराटे कुंफू में उस्ताद है तू। पकाना काफी नहीं है जो मूंछों को ताव देता और है करता है? तेरी तो उंगली मत दिखाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। अबे चल, तू नहीं सुधरेगा। मैं चाहता हूँ कि माइंड फटे या तुझे जानवर खा जाए। चलो इंदर 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 ये कदम बढ़ा के मैं कहाँ फंस गया? अच्छा लोकेशन है ना ब्रदर, एक सेल्फी ले ले। चल। ओ हाँ, तुम लोग तो मुंह ढक के सेल्फी ले। चुपचाप चल। ये लोग चाहते क्या है सर? तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मैं सब जानता हूँ। ये सब इसे कैसे पता? वही तो। ओ पायलट, धोखेबाज। तुम्हें क्या लगा स्पाई सिर्फ सरकार के पास ही होते हैं? उन दोनों को चेक करो, देखो उनके पास क्या है। ए, हमारे पास कुछ भी नहीं, अगर होता तो भी जेब में डाल के घूमते क्या? सर सर मत बोलिए। व्हाट? मेरी जेब नहीं है, मत बोलिए। ए सब खत्म। खजाने का नक्शा। ये जंगल हमारा है और यहाँ जो भी मिलता है वो भी हमारा। अभी तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, दोनों यहीं पर मरोगे। इन्हें पहाड़ से अच्छा नीचे फेंक दो। साला गोली बचा रहा है। क्या करती, क्या चुप नहीं रह सकते थे? सब चौपट करती है बेवकूफ।
क्या है हैप्पी? कब से देख रहा हूं आप मुझे घूरते ही जा रहे हैं। मुझे मारना है तो मारिए, घूरिए मत। तुझे मारने का ही मेरा मन कर रहा है तो मारिए ना सर। झुकिए ना सर। कोई प्रॉब्लम है भाई? कुछ नहीं। सब लोग यहीं पर हैं। प्रोफेसर आ गए। चलो 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 जल्दी 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 कम जल्दी जल्दी सर वो आ जाएंगे। आओ जल्दी 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 धोखा देकर दक्षिण की ओर जा रहे हैं, उन्हें जाकर पकड़ो जल्दी। दाएं तरफ लो जल्दी। जल्दी 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 गो गो। अरे लेफ्ट क्यों ले रहा है? शायद आगे रास्ता नहीं है। इंदर व्हाट आर यू डूइंग? वो हमारे पीछे है। रिवर्स क्यों? गाड़ी रखो, पकड़ो उन्हें। ओह नो, नो। गाड़ी पीछे ले, वो बड़ी गाड़ी है, हमारी छोटी। पीछे ले, पीछे ले। वो पागल हो गया। जल्दी चला, जल्दी चला। हमें उल्लू बना गया। हैप्पी, हैप्पी, कम ऑन जंप, शाबाश। लगता है एक और जीप आ रही है, भगा भगा, जल्दी भगा। उतरो। बच गए। तू तो आज इतनी मेहनत से तुम्हारी जान बचाई, थैंक्स भी नहीं बोलोगे? थैंक्स यार। चल कम से कम तूने तो बोला। कम ऑन हैप्पी, कैसा कीड़ा है। आजा आजा, चल जा। ये गाड़ी भी कमाल है, लेफ्ट कट किया तो राइट जा रही थी, राइट कट किया तो लेफ्ट जा रही थी, फिर भी वो लोग हमें पकड़ नहीं पाए। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। इस जंगल में आते ही पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा है, जैसे रंजन, रंजन, क्या हुआ? रंजन, 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 क्या हुआ? मुझे लगता है किसी कीड़े ने काटा है। यहाँ पास में एक गाँव है, क्यों नहीं इसे वहाँ ले चले? हाँ ले चलते हैं, लेट्स गो। चलो टेढ़ा मत करना अमित। मैं कहाँ टेढ़ा कर रहा हूँ, हल्की अपने आप हो रहा है। ए, आराम से, आराम से। ए, आराम इस तरफ, यहाँ पे लाइए। यहाँ पर? हाँ अंदर, आराम से यहाँ लिटा दीजिए। लगता है तुम लोग कान कौम के घने जंगल से आए हो। सिर्फ वहीं पर ही ऐसे जहरीले कीड़े पाए जाते हैं। हो, थोड़ी और देर हो जाती तो बलराम।
रंजन आर यू ओके? बाबा धन्यवाद। धन्यवाद ऊपर वाले का कीजिए, सब उसकी कृपा है। ए, एक मामूली से मच्छर ने क्या काटा, इतना ड्रामा कर रहा है, अब मैं तुझे काटता हूँ। अरे फिक्र मत कर, तू फाइटर है, ठीक हो जाएगा। Got it. Let's go. चलो अमित। यस सर। हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। प्रभा सर कम ऑन, आई एम अमित सर। ए प्रभा क्या कर रहा है यार, अरे तू मुझ पे शक कर रहा है? सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये क्या है प्रोफेसर? सैटेलाइट फोन। यू रास्कल, तुझे तो मैं बात ये है कि सर, नहीं सर, 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 क्या पागल हो गए हैं? ये मर जाएगा। मरने दो, इस पर यकीन करने वाला मैं पागल ही हूँ। क्यों, क्या किया इसने? अच्छा क्या किया? कपिल को बता दिया कि हम यहाँ पर हैं। सैटेलाइट फोन। सर सर सर, अरे वेट वेट, लॉस्ट इट। सिग्नल जहां कट हुआ वहां चलो। बिगाड़ दिया ना सर, इसकी मदद से हम कपिल को मिसगाइड कर सकते थे। हा? और ये अमित, इफ माय गेस इज राइट, कपिल हमारी तरफ ही आ रहा है, हमें फौरन यहां से जाना होगा। स्टॉप स्टॉप, व्हाट हैपेंड? आई गॉट कॉट। जंप इन द कार फास्टर। ओके मूव 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 क्विकली। उसके बाद मेरा सर चकराने लगा। चलो चलते हैं। रंजन को कैसे? I am okay. क्या हुआ? ये ले। ना क्या हुआ? चलो बताता हूँ। चलो चलो चलो। Come on. Come quick. चलो। दाई तरफ। Slope है, संभाल के। चलो जल्दी चलो। वो देख, पकड़ो कमीनों को, उस तरफ चलते हैं। चलो सब लोग आ जाओ जल्दी। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब क्या किया जाए? जल्दी तोड़ो इसे। चलो चलो चलो। वो देख वहीं पे। संभल के संभल के, एक एक करके आ जाओ। ध्यान से रंजन, आराम से चलिए। लेट्स गो। वो लोग गए, अब ठीक है। अरे साथ मारू, समझ गए। रंजन, हाँ,
उस तरफ जाते हैं। चलो। यहां कोई है? आई होप नो वन इज हियर। Sorry. Thank you.
सिद्ध पुरुष असल की सुरक्षा के लिए उसकी नकल भी बनाया करते थे। It's all yours. Hey, sir. Good job, man. क्यों प्रोफेसर? इसे टेस्ट करने से पहले छू भी नहीं सकते, बताया नहीं? हाँ, अब ऐसे क्या घूर रहे हैं? See you in Goa. Superb. दो घंटे के बाद रिलीज करना और लड़के पे कड़ी नजर रखना। ठीक है सर। ये क्या सर, पहले ही बता देते कि वो आया है तो मैं वन जंप, टू जंप, थ्री जंप, फोर्थ जंप में सीधा उस पहाड़ पर पहुंच जाता। इंदर, मजाक नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। आपके साथ मैं मजाक क्यों करूंगा? बाय इंदर, सी यू लेटर, बाय बाय। बुलेट तो मस्त लग रही है, कितना स्पीड पकड़ेगी मैक्सिमम? 120 के स्पीड। 120, बिल्कुल ठीक है। और उनकी जीप का स्पीड? 60 तक जाएगी। 60, और उनको निकले 3 मिनट हो गए, पकड़ लूंगा। हाँ, और इसका ब्रेक वेक ठीक है ना?
आदड़ा दूर खड़ा हो। डर रहे हो? क्या कहा? अब ये बाइक मेरी है। Hey, come, let's go. शूट करो उसे। Yes! Indra, come on, give it to me. Come on. ये मुझे वापस करो इंदर। इन्हें जोर से ठोको। Whoa!
मुझको ही डांटते हैं। हाय। नील डाउन। घुटने में दर्द है। नील डाउन। जो भी तुम्हें यहां से मिला है वो मुझे दो। हैं? इंदर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला ना, बस यही बात इन्हें बोल दे। अरे छोड़िए सर, ये खून पीने के मूड में है, पूरे बदन में छेद कर देगा। ये लीजिए। यह हमारे राज्य की अमानत है, हमारी मर्जी के बिना इसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। क्या समझा तुम लोगों ने? हमारी मिट्टी में ही सब कुछ है, लेकिन यहां के लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता। तुम जैसे लोग आके हमारे राज्य को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मुझ जैसों को हथियार उठाना पड़ता है इस मिट्टी को बचाने के लिए। हमारी मर्जी के बिना कोई इस जंगल से कंकड़ तक नहीं ले जा सकता, समझे? और ये लो तुम्हारी गाड़ी की चाबी, एक घंटे में तुम सब लोग ये जगह खाली करोगे। चलो निकलो। तुम सब ठीक हो ना? जा रहे हैं। Come on guys, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, जल्दी। रणजीत सिंह, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द सेकंड रेबल। रणजीत, आई विल कॉल यू बैक। स्टोन उसके हवाले करके भी ये इतने आराम से कैसे घूम रहा है? शिट। इंदर, स्टॉप। या? इंदर, आई सेड स्टॉप। ओह, तो आखिर पता चल गया। हे, पकड़ो उसे। गो कैच हिम। प्रोफेसर, कैच। हे। पकड़ो उसे। प्रोफेसर, प्रोफेसर, आई एम ओपन। हे, इन्हें ब्लॉक करो। इंदर, कैच। इंदर, पत्थर संभालो। I'm okay. I'm okay. इंदर! Hey, इंदर! वो गिर गया कार। Oh my God! इंदर! 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 We lost it. इतने साल की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। छे, अब तो तुम खुश हो ना? Oh,
ए, ए, आवाज मत करो, साइलेंस। I thought I lost you. Huh? Inder, are you all right? पत्थर दो मुझे। हाँ, yes professor. Be careful, Inder. पत्थर संभालो। दो पैराशूट हैं। कोई एक कूदेगा। पहले मैं। अभी, अभी। तुझे तो मैं नहीं, बात यह है कि Why? अगर लोगों की जान बचाने के लिए आप ये मेडिसिन स्टोन चाहते ना, तो इस स्टोन के लिए दूसरों की जान लेने के बारे में कभी नहीं सोचते। ये मैंने उन्हें इसलिए दिया कि अगर आप गलत हैं, तो आपसे लड़ने वाला सही होगा। इंदर, 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 योर राइट, योर राइट, इंदर, हे, पानी लेके आओ, गो गो, फास्ट। यह हमारे देश की अमानत है और इसमें देश का भला है। सबको हर चीज मिले, साधारण जीवन से रोगमुक्त जीवन ही अच्छा है। वन वर्ल्ड नो बाउंड्रीज, लेट्स शेयर।